हेलो दोस्तों, वेलकम टू जी हमारा स्टडी यूट्यूब चैनल। हम लोग आज इस वीडियो में वास्तविक संख्या का सीरीज नंबर 2 देखते हैं। कल हम लोगों ने 20 प्रश्नों का हल किया था और आज उससे आगे हम लोग प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म स अभाज्य संख्या है? तो स अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, ऐसे नंबर को हम लोग कहते हैं जिनका मौसम एक हो, जिनका मौसा क्या हो, एक हो। तो 15 और 20 का करेंगे तो 5 हो जाएगा मौसा, ये नहीं होगा। 9 और 16 का मौसा निकालेंगे तो कितना होगा, एक आ जाएगा, यानी राइट आंसर बी। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता, यदि ए बराबर 2^2 गुने 3 का स्क्वायर है और बी बराबर है 2^n गुने 5 और सी बराबर है 2^3 और 5^3 और 3 है, तो एलसीएम ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू, अगर बात करें इज इक्वल टू ए बी सी का जो एलसीएम होगा वो 2^4, 2^3 और 5^2। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एन के मान बताना है कि एन के जगह पर कितना होगा। तो दोस्तों हम जानते हैं कि चूंकि यहाँ 2 के स्क्वायर है, यहाँ अगर देखें तो 2^3 है और यहाँ 2^n है, इसका मतलब 2 सम में है तो कॉमन क्या होगा, यानी 2^4, यानी 2^4 है ये कॉमन होगा। अतः हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी 2^n जो है इनके जगह पर क्या रखा जाए, क्योंकि मौसा तो हमें दे दिया गया 2^4, 3^2 और 5^2, और हमें यही बताना है कि n के जगह पर कितना होगा। तो इसका मतलब अगर 2^4 यहाँ दिया गया है, एक कॉमन सभी में से निकाल लिया गया है, अगर दो जो कॉमन है उसमें से निकाला गया है, अतः जो है 2^4 हमारा होगा, अतः एन के जगह पर क्या होगा पावर, डी, यानी 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि यदि एन एक प्राकृत संख्या हो तो 6^n-5^n का अंत निम्नलिखित में से किससे होगा, यानी एन एक प्राकृत संख्या होगा तो अगर 6^n है और 5^n है तो इसका अंत कितना से होगा, तो एक से होगा। कितना से होगा, एक से होगा, यानी अंत निम्नलिखित में से किससे होगा, तो एक से होगा, 6^n और 5^n है। तो चूंकि हम जानते हैं कि दोनों में एन एन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6-5=1 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या कहते हैं जिसका केवल और केवल 2 अपवर्तक हो। तो 8 का भी 2 से अधिक अपवर्तक है, 9 का भी है, 12 का भी है, 3 का केवल 2 अपवर्तक है, अतः इसके आंसर क्या हो जाएगा, 3। 3 का जो अपवर्तक है एक और स्वयं 3 है, इसके अलावा कोई अपवर्तक नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करता है और तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे और 8 घंटे का समय लगता है, तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने। जब ऐसे प्रश्न आपको मिलेगा 3 धावक या घंटिया ये सबसे संबंधित आएगा, तो आसानी से सभी संख्याओं का क्या करेंगे, लॉसन निकाल लेंगे। तो 3, 4 और 8 का जब लॉसन निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 3, 4 और 8, तो यहाँ 3 हो जाएगा, 2 × 4, 2 × 8, फिर दूसरे यहाँ लगाएंगे 3, फिर यहाँ 1 मरतबे 2 × 4, तो 2 × 4 = 24, क्या हो जाएगा राइट आंसर, 24। या सबसे बड़ी संख्या को पकड़िए और इसका पहाड़ा पढ़िए, अगर जब सभी संख्या उससे विभाजित हो जाए, यानी उससे विभाजित हो जाएगा तो हम समझें कि वह हो जाएगा, वही उसका क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। जैसे 8 है तो 3 से नहीं लग रहा है, 4 से भी नहीं लग रहा, 4 से लग जा रहा है, तो ये नहीं होगा। सभी से वो सभी के पहाड़ा में वो आना चाहिए। अब 8 × 16 है तो 16 3 के पहाड़ा में नहीं आता है, उसी तरह से 8 × 3 = 24 देखें तो 3 के पहाड़ा में भी आता है, 4 के भी और 8 में आता, हमारा 24 घंटा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2 संख्याओं में इतना है और उनका मौसा एचसीएफ जो है 15 है और तो उनका लॉसा बताइए, तो इससे हम इसमें डिवाइड दे देंगे। अगर बात करें तो 15 × 5 = 75, ठीक है, 15 × 5 = 75, 6 में से 5 जाएगा 1, 8 में 7, यहाँ पर ठीक 15 × 7 = 105, तो 5 वाला ऑप्शन केवल और केवल डी में है, 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। पूरे बनाने का ज़रूरत भी नहीं है, आप आसानी से ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं इसका मतलब परिमेय है, तो अगर बात करें तो √7 भी है, √2/√5 भी है, पाई भी है, अतः हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब ये कैसे है, तो 75 को तोड़ सकते हैं, 50 25 या 75, यानी 5√3 में
और 16 को तोड़ सकते हैं 4√3 में, √3 से √3 खत्म, 5/4 यानी 5/4 क्या है, एक परिमेय संख्या के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शान दशमलव में परिवर्तनशील है। तो शान दशमलव होने के लिए हमने बताया था कि जिसका अगर हर है वो 2 और 5 के पावर के रूप में हो या 2 या 5 के पावर के रूप में हो, तो ये ऑप्शन नंबर सी है। यानी 28 का अगर बात करें तो 8 कैल्शियम निकालेंगे तो 2 के पावर 3, बाकी बात सब में 2 और 11 भी है और इसमें 3 और 5 है, इसमें 7 केवल है, अतः यह संख्या जो है शान दशमलव नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में किसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो अशांत आवर्ती का मतलब क्या, जो क्या हो, जिनका हर जो है वो 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का नहीं, यानी 2 और 5 के घातांक के रूप में नहीं हो। तो इसमें केवल और केवल c है जिसका घातांक नहीं, क्योंकि 3 सतह का स्थिरी आ रहा है, तो ऐसा नहीं आना चाहिए, या तो 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए, 2 और 5 दोनों भी आ जाए फिर भी होगा। 16/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा, तो शांत होगा, कैसे, 6 है और 16 को यानी नीचा 15 है तो 3 5 15 तो 3 2 6 यानी 2/5 1, क्योंकि 5 के रूप में आ गया हर में, अतः यह एक शांत दशमलव होगा। इसके बाद 31 नंबर देखते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना है, 4 है, हमें पूछा गया है अभाज्य संख्या, तो आंसर हो जाएगा बी। और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पाई एक क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या। और देखिए इतने 2017 में 15 में और 12 में ये पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा पाई किस प्रकार का संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। 3+2√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि एक परिमेय और एक अपरिमेय का योगफल भी एक अपरिमेय संख्या होता है। नेक्स्ट में अगर बात करें कि परिमेय संख्या इतना का दशमलव प्रसार क्या होगा, तो 2 और 5 के घातांक के रूप में है, तो हम क्या कहेंगे, यह एक शांत आवर्त है, यानी डी नंबर। 17/24 का दशमलव प्रसार क्या होगा, तो 3/8 यानी 2 के पावर 3, तो 3 इसमें आ गया, अतः यह क्या होगा, शांत दशमलव नहीं होगा, क्या हो जाएगा, अशांत आवर्त हो जाएगा। ठीक है, 35 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में क्या रहा है, 11/25 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो अगर बात करें 11/25 तो 5 के स्क्वायर के रूप में है, अतः यह एक शांत दशमलव है। नेक्स्ट है 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखने पर कितना होगा, तो 1 कितना है, 34 को परिमेय संख्या के रूप में अगर हम लिखें तो क्या होगा, तो 1.34 है। बात करें क्वेश्चन नंबर 37, तो 1.34 यहाँ तो सीधे डायरेक्ट रूप में दिया हुआ है, तो इसमें होना चाहिए, क्योंकि 1.34 है, दशमलव हटाएंगे तो 1 पर 2 0 हो जाएगा। अगर बात करें 2×12 = 14, यानी सी नंबर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ रेकरिंग नहीं दिया गया है, अतः हमारा सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्स क्या है, क्वेश्चन नंबर 38, x = p/q के एक परिमेय संख्या हो, तो क्यू का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, यानी हर क्या होगा, 2 के पावर n और 5 के पावर m, ये होगा सी नंबर ऑप्शन। सर्वप्रथम भारतीय गणितज्ञ डैश ने पाई का मान 4 अंकों तक ज्ञात किया था, तो पाई का मान 4 अंकों तक आर्यभट्ट ने प्राप्त किया था। नेक्स्ट है 1440 में 2 का अधिकतम घात क्या होगा, तो 1440 है, इसमें अगर हम 2 को बात करें तो 2 × 14 = 0, फिर 2 से अगर बात करें तो 2×6 = 0, फिर 2 से काटें तो यहाँ कितना हो जाएगा, 18 180, फिर 2 से काटें तो 90, फिर यहाँ पर अगर बात करें 90 हो जाएगा, फिर यहाँ 2 से करें तो 45। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें जो घात की जो कुल संख्या हो जाएगा 2 का वो कितना हो जाएगा, तो 1, 2, 3, 4 और 5, यानी कुल मिलाकर के जो है हमारा इसमें कितना 2 का घात आएगा, तो 5 हो जाएगा बी। इतना जो है आपका क्या है, तो यहाँ देखें तो 3+√3 और √3 ऐसा ना मत कर दिया, क्योंकि आप देखिए एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या है, तो आप अपरिमेय मत मार दीजिएगा, बिकॉज ये गुना में है। अगर a+b × a-b का ये फार्मूला भी होता है, तो अगर बात करें 3 का स्क्वायर और −√3 का स्क्वायर, तो 3×3 = 9 और √3 को 2 बार गुना करें 3×9 का वर्गमूल 3, तो ये 6 हो जाएगा, अतः 6 क्या है, एक परिमेय संख्या, बी आंसर। वास्तविक संख्याएँ मूल रूप से 2 प्रकार के डैश और डैश होते हैं,
तो वास्तविक जो संख्याएं होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक परिमेय और एक अपरिमेय। याद रखिएगा डी। किसी विभाज्य का प्रक्रिया में ए बराबर बी क्यू प्लस आर आर हो तब आर का मान डैश होता है। तो आर का मान अगर बात करें तो हमारा क्या होगा, अद्वितीय होगा, यानी केवल और केवल एक होता है। यहाँ पर अगर बात करें तो 29/343 है, तो 29/343 का अगर यहाँ पर हम लोग दशमलव प्रसार निकालें तो ये आसान दशमलव हुआ, क्योंकि 343 का अगर निकालिएगा तो 7 चौक 28 और 7 नवा 63, यानी 29/7 3। न तो यहाँ पर 2 है घातांक के रूप में और न ही 5 है, अतः यह एक क्या है, अशांत आवर्त है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 45 नंबर। प्रत्येक 7 दशमलव भिन्न एक डैश संख्या का दशमलव रूप है, तो किस संख्या का दशमलव रूप है, तो एक परिमेय संख्या का। 0.7 है तो 0.7 है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 7/10 आंसर, चूँकि दशमलव हटाइएगा तो नीचे एक और एक जीरो, 7/10 हो जाएगा। 0.23 का परिमेय रूप क्या होगा, तो दशमलव हटाइएगा तो बट्टा में 100, यानी ई आंसर हो जाएगा। 48 नंबर, क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है, तो सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या नहीं है। नेक्स्ट, क्योंकि वास्तविक संख्या का मतलब क्या है, परिमेय और अपरिमेय दोनों, तो सभी वास्तविक संख्या को तो हम परिमेय संख्या नहीं कह सकते हैं ना, अतः यह ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। 156 का गुणन अभाज्य गुणनखंड में 2 का महत्तम घात कितना होगा, तो 156 का अगर निकालेंगे तो 2 × 7 = 14, 2 × 8 = 16, फिर 2 × 39, यानी कितना हो जाएगा, राइट आंसर डी, 2 घात होगा। नेक्स्ट है आपका, फिर वही बात है, एक वृत्ताकार पर प्रतिधावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रम से 1 घंटा 3 घंटा और 5 घंटे समय लगाते, तो तीनों धावक जो है कितने, तो 5 का अगर बात करें 1 × 3 = 5 का, तो 3 × 5 = 15, यानी डी आंसर हो जाएगा इसका। लसन निकाल देना है तीनों का, 1 का 3 का 5 का, और जो आएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से 50 प्रश्नों का हम लोगों ने सीरीज 2 में देखा है। और भी कुछ प्रश्न हैं तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ये हमारा स्टडी यूट्यूब चैनल को लाइक